सबसे पहले हम गन ले लेते हैं, M416, और सेकंड AKM। फिर बैकपैक ले लेते हैं और अटैचमेंट। दोनों गन्स की एमओ ले लेते हैं। देखिए, जब आप किसी बंदे पर फायर करते हैं तो आपका एम कैसे ऊपर जाता है, देखिए। इसी कारण सामने वाले बंदे पर गोली नहीं लग पाती आपकी। पहले हम जायरोस्कोप ऑन कर लेते हैं। जायरोस्कोप में रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए आपको फायर करते हुए मोबाइल को नीचे ले जाना पड़ता है, इसी से आपका रिकॉइल कंट्रोल होगा। अब बात कर लेते हैं विदाउट जायरोस्कोप प्लेयर के लिए। विदाउट जायरोस्कोप पे जो राइट साइड फायर बटन होता है उस पर क्लिक करते हुए अपने थंब को नीचे की ओर ले जाना पड़ता है रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए। एक बार फिर से राइट वाला जो फायर बटन है उस पर अपने थंब से क्लिक करिए और क्लिक करते हुए थंब को नीचे की ओर ले जाइए। यहाँ पर थोड़ी एमओ ले लेते हैं, एमओ ख़त्म हो चुकी है। यार ये आग कौन फेंक रहा है? डेली आपको 5 to 10 मिनट ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।